अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जो तैरने का इरादा किया है तो तमन्ना यही है कि उस पर जाऊं, मैं पाकर ही रहूंगा अब मुकाम अपना, क्योंकि मैं वो नहीं कि आसानी से हिम्मत हार जाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नाथ अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट टिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान का प्रथम वीडियो आपके सामने लाया हूं, जिसमें सर्वप्रथम मैं भारतीय संविधान का इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। उसके बाद मैं संविधान के अंतर्गत जितने भी टॉपिक होते हैं, लगभग टॉपिक को मैट्रिक के माध्यम से आपको प्रत्येक पहलू को याद कराने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, भारतीय संविधान भारतीय संवैधानिक इतिहास भारतीय संवैधानिक इतिहास को जानने के लिए सर्वप्रथम मैं प्लासी के युद्ध का चर्चा करना चाहूँगा। कभी कभी सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध 22 अक्टूबर 1757 ईस्वी को हुआ था। सवाल कभी कभी परीक्षा में यह आता है कि प्लासी वर्तमान में भारत में कहाँ अवस्थित है। प्लासी पश्चिम बंगाल में एक ज़िला है, नादिया ज़िला, वहीं प्लासी अवस्थित है। उस समय पश्चिम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। कौन थे? सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह यही सिराजुद्दौला वर्सेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव। एक मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला के ही सेनापति थे, जिसने लॉर्ड क्लाइव को मदद कर दिया, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और लॉर्ड क्लाइव जीत जाता है। इसी जीत के द्वारा संवैधानिक अधिकार हालांकि नहीं मिल पाता है, लेकिन शासन व्यवस्था शुरू कर देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मुख्य रूप से संवैधानिक मान्यता या अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बक्सर के युद्ध में मिलता है। बक्सर के युद्ध, यह बक्सर कहाँ अभी वर्तमान में अवस्थित है? बिहार के एक जिला है बक्सर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सॉरी, 23 सितंबर है ना, 22 अक्टूबर 1764, इसको क्लियर कर लेंगे। 23 सितंबर 1757 प्लासी युद्ध और 22 अक्टूबर 1764, कभी कभी डेट जो है कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए मुख्य रूप से डेट जरूर याद रखेंगे, परीक्षा में डेट भी पूछ देता है। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। बक्सर का युद्ध हुआ था एक बंगाल के नवाब अवध के नवाब भी थे और एक मुगल शासक
वर्सेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व उस समय हेक्टर मोनरो कर रहे थे। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, तो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुगल शासक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के हेक्टर मोनरो के साथ। इसमें भी हेक्टर मोनरो की विजय हुआ। बंगाल के नवाब उस समय मीर कासिम था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, यहाँ था सिराजुद्दौला, ये है शुजाउद्दौला। कभी कभी यह कन्फ्यूजन पैदा करता है, ध्यान रखेंगे बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला और यहाँ बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। कभी कभी मीर जाफर और मीर कासिम भी कन्फ्यूजन पैदा करता है। उस समय सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर और यहाँ बंगाल के नवाब है मीर कासिम। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वैधानिक रूप से बंगाल पर शासन करने लगता है। फिर लॉर्ड क्लाइव द्वैध शासन प्रारंभ करता है, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर अपना अधिकार प्राप्त करता है और शासन व्यवस्था चलाने लगता है। वहीं कानून बनाने का जिम्मा दो स्तर से होता है। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद बनाई जो 1773 से 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक महारानी ब्रिटेन से ही बनाई, महारानी के द्वारा बनाया गया। निर्मित कानून जो 1858 से लेके देश की आज़ादी अपने भारत के 1947 तक। इसी बीच में कई एक्ट बने, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट इंडिया एक्ट, इसी सब एक्ट के तहत भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सभी गवर्नर जनरल को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, चलिए अब वह ट्रिक देखते हैं। चलिए दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय को याद करने के लिए एक ट्रिक है जो रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ट्रिक है रॉबर्ट है विलियम की मौसी। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय को याद करने का प्रयास करते हैं। रॉबर्ट से रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वे बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। हे से हेस्टिंग्स जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम से विलियम बेंटिंक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। मौ से माउंटबेटन जो स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल थे। सवाल आता है कि स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल, तो वहाँ आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। वहीं सवाल आता है कि स्वतंत्र भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल, सी से सी राजा गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजा गोपाला चारी। यदि रॉबर्ट है विलियम की मौसी यह ट्रिक याद रहे, तो रॉबर्ट से रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर, हे से हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, विलियम से विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, मौ से माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल, और सी से सी राजा गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।